2019 में भागीदार देश कौन होगा? तो आंसर है लाइन। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ के बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो उस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18। ठीक, और इसे किसने डेवलप किया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा इसे डेवलप किया गया। ठीक, यहाँ तक तो हो गया, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश कौन बना? तो उस देश का नाम है सेशेल्स। तो अभी तक जो इसमें है शिखर सम्मेलन, देखिए शिखर सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होगा उसको मैं ज़रूर आपको हाईलाइट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ग्लिट्समैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मलाला यूसुफ़ज़ई को इसके लिए सम्मानित किया गया, और ये 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ पुरस्कार दिया गया। ठीक, 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, और ये सबसे कम उम्र की नोबेल पीस जो है प्राइज़ पाने वाली महिला में शामिल है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, कहाँ अनावरण किया गया? तो इसका जो आंसर होगा गुजरात में। ठीक, गुजरात में अनावरण किया गया, और ये 600 फीट यानी 182 मीटर ऊंचा ये मूर्ति है, जिसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बात करें उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ठीक है, हमारे देश के भी जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, अफ्रीका के 3 देशों का दौरा किए। तो यहाँ से सवाल ये पूछा जा सकता है आपका, राजधानी या मुद्रा जिसे कहते हैं कैपिटल या करेंसी पूछा जा सकता है। जैसे इन्होंने 3 जो कंट्री का दौरा किया, जिसमें से बोस्तवाना है, मलावी और जिम्बाब्वे। तो देखिए बोस्तवाना की बात करें तो राजधानी क्या है? गैबे रोने। ठीक है, यहाँ पे जो इसका कैपिटल है गबो रोने। ठीक, और मुद्रा है बोस्तवाना। ठीक, इसे याद कर लीजिएगा। मलावी की बात करें तो मलावी का जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है लोंगवे, और करेंसी है मलावियन। ठीक, और जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे का जो है कैपिटल हरारे, और इसका जो करेंसी है अमेरिकन मंगवागवा। ठीक, थोड़ा टेरा नाम है, डिफिकल्ट नाम है, लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है ये क्वेश्चन कि आपको कैपिटल एंड जो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वन रूफ हवाई अड्डा कहाँ खोला गया? तो आंसर है इंस्ताबुल। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्मश्री विजेता प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तर का हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? वे एक उर्दू लेखक थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है कि उनका नाम चाहे तो पूछा जा सकता है, उनका नाम था काजी अब्दुल सत्तर, या और दूसरे अगर तरह से अगर सवाल पूछा जाए तो ये क्या थे, तो उर्दू लेखक थे। ठीक, या तो बात हो गई। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMC 2018 एसोसिएट एरो सिटी कहाँ आयोजित किया गया? IMC 2018 एरो सिटी कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। और IMC के यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो भी शिखर सम्मेलन हो गया, ठीक, तो इससे से अगर कोई चीज़ आयोजित हुआ है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। किस अमेरिकन कंपनी ने रेड हैट को $34 बिलियन में अधिग्रहण किया? उस कंपनी का नाम है IBM, और रेड हैट जो एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 5वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? काजीरंगा, जो कि असम में है। ठीक, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं।
यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 का खिताब किसने जीता? ठीक है, आंसर होगा क्लारा सोसा। ठीक, आंसर होगा क्लारा सोसा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, एक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर वन ट्रॉफी की पहली विजेता बनी, इनका नाम है सिमोना हैलेप क्रिस एवर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि आरबीआई ने नवंबर में ओमो के माध्यम से कितना करोड़ रुपए दिया? तो ये 40 करोड़ रुपए दिया गया है, और ओमो का यहाँ पे फुल फॉर्म की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ फुल फॉर्म होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, तो बैंकिंग टर्म से लिहाज से ये क्वेश्चन शायद पूछा जाए। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरलैंड के पुनः राष्ट्रपति बने, आयरलैंड के पुनः जो निर्वाचित या जिन्हें नियुक्त किया गया राष्ट्रपति, उनका नाम है माइकल डी हिगिंस। ठीक, और वहाँ के अगर कैपिटल की बात करें, आयरलैंड की कैपिटल की बात करें, तो डबलिन वहाँ का कैपिटल है, और करेंसी की बात करें तो यूरो, और प्राइम मिनिस्टर जो है लियो वरदकर हैं। ठीक है, लियो वरदकर हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। चलिए अब आइए, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 13वां भारत जापान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक, तो आंसर होगा टोक्यो में, जो कि कहाँ है, जापान की राजधानी टोक्यो में। और जापान की अगर बात करें मुद्रा की, करेंसी की बात करें, तो येन वहाँ का करेंसी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर 21 बेल्जियम ओपन में रजत पदक, ठीक, रजत पदक मीन्स कि सिल्वर सिल्वर पदक जीतने वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है अयहिका मुखर्जी इनका नाम है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कि किस भारतीय गोल्फर ने पैनासोनिक ओपन इंडिया का खिताब जीता? इनका नाम है खालिन जोशी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2018 के संयुक्त रूप से विजेता कौन सा टीम बना? ठीक, तो इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त रूप से बना, और ये जो हुआ था खेल, एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई कहाँ हुआ था? ओमान के मस्कट में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना के लिए कितने लाख डॉलर दान किए? आंसर है 3 लाख डॉलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? इनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि सतर्कता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और अगर थीम की बात करें, 2018 की थीम की बात करें, विषय की बात करें, तो इसका विषय था या थीम था भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक हो सकता है और पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कि वर्ष 2018 के लिए विश्व कृषि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे इनका नाम है प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि पहला स्वदेश निर्मित लड़ाकू जेट जिसे IAF को सौंपा गया, मीन्स कि इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया, तो उस स्वदेश निर्मित लड़ाकू जेट का नाम है Sukhoi Su-330 MKI। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व सर्वदृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक, और इस बार का 2018 की अगर थीम की बात करें, तो थीम है Your Store Is Moving। ठीक, Your Store Is Moving यहाँ पे होगा आंसर। ठीक, हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हुआ, स्टोर है क्या, मैं ऐसे आपको कमेंट करके मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिएगा Your Store Is Moving या स्टार होना चाहिए, सॉरी स्टार, Your Store Is Moving होगा। ठीक है, Your Store Is Moving। चलिए अब आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो कि और भी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 100+ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है सभी। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा सहकारी किसे घोषित किया गया? तो IFFCO को, ठीक। और ये IFFCO का जो यहाँ पे फुल फॉर्म होगा, इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर्स कॉपरेटिव, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली है, और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? श्री BS नकाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वाक्वेली साइमंड्स द्वारा QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी उपस्थिति दुगना कर लिया, ठीक है, कितना कर लिया यहाँ पे? दुगना कर लिया। और इसके अनुसार जो IIT बॉम्बे है, ठीक, IIT बॉम्बे जो कि 33वें स्थान पर है, IIT दिल्ली की बात करें तो 40वें स्थान पर है, और IIT मद्रास की बात करें तो 48वें स्थान पर है। और इसका अगर बात करें QA क्वाक्वेली साइमंड्स का हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? लंदन UK है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की WETEX 2018 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर होगा दुबई, जो कि UAE यूनाइटेड अरब अमीरात्स में है, ठीक। और इसका कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? अबू धाबी, ठीक है। और करेंसी की बात करें तो दिरहम। UAE का जो कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल हुआ अबू धाबी, करेंसी है यूरम, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर, आपका जो है आयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आंसर होगा असम में, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया है? गिफ्ट, यानी कि गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 का थीम की अगर बात करें तो थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम इसका जो है इस बार का थीम है, 2018 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और उद्घाटन फिल्म जो थी आपका भोगा खिड़की मीन्स टूटी हुई खिड़की की बात यहाँ पे की गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्मेलन जितने भी क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और एग्ज़ाम में इधर देखा जाए तो कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें कि ज़्यादातर सम्मेलन या जो भी है आयोजन पूछा गया है। तो बात करें विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ? आंसर होगा बर्लिन में, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2018 स्टार्टअप पुरस्कार जीतने वाला युवा वैज्ञानिक कौन है? इनका नाम है रूपम शर्मा, ठीक, जो कि महज 23 ईयर्स ओल्ड के अभी हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है सौरभ कोठारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस पाकिस्तानी वकील को मरणों उपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया? इनका नाम है असमा जहांगीर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि IDFC बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो इसलिए कि ये जो IDFC बैंक है, कैपिटल फर्स्ट के साथ जो हुआ है इसका मीटअप हुआ है, और इसके वजह से ये अब जो कहलाएगा IDFC फर्स्ट बैंक कहलाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिकॉम कम्युनिकेशन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार कौन सा कंट्री बना? तो दूसरा सबसे बड़ा जो बना है वो है भारत, और पहले नंबर पे जो है, फर्स्ट नंबर पे जो है वो है चीन, ठीक। और ये 4.9 गीगा यहाँ पे वाट तक जो है सौर ऊर्जा प्रदान करने का क्षमता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे IATA के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनेगा? आंसर होगा 2024 तक, ठीक। और IATA का फुल फॉर्म देख सकते हैं कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होगा, और हेडक्वार्टर की बात करें इसका, IATA का जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है, और इस्टेब्लिश हुआ था 19 अप्रैल 1947
1945 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस मिलिट कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप लॉन्च किया गया जिसका नाम है ICGS वरुण। ठीक, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए, या तो हो गया बात समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी शिक्षक पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है प्रोफेसर आशीष मुखर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है वो है कजाकिस्तान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? इनका नाम है सेहल वर्क जेबड़े। और इथोपिया की अगर बात करें कैपिटल का, तो अधिस अबाबा कैपिटल है इसका और करेंसी बियर है। कई बार करेंसी और कैपिटल पूछ दिए जाते हैं, तो इस लिहाज से आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि कुंभ कहाँ उद्घाटन किया गया? आंसर है लखनऊ में, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली महिला कौन बनी? उनका नाम है पूजा ढांडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो का सबसे बड़ा सैनिक युद्धाभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर होगा नॉर्वे में, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और आ सकता है बिल्कुल। और नाटो के अगर हेडक्वार्टर की बात करें, तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। ठीक, यहाँ तो बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CAPAM अवार्ड 2018 किसने जीता? तो भारत ने जीता, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CAPAM का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। तो अगर इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, तो यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, और CAPAM नेक्स्ट जो क्वेश्चन, CAPAM 2018 बेनियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ हुआ? मीन्स की CAPAM 2018 बेनियल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा जॉर्जटाउन जो कि गुआना में। ठीक है, जॉर्जटाउन जो कि गुआना में है, याद रखिएगा। और इस बार का जो थीम है 2018 का, ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर फॉर क्लाइमेट गवर्नमेंट्स। तो ये भी वेरी वेरी, ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2018 कहाँ हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल संभावना आने की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, 10वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ? आंसर होगा नई दिल्ली में। और इस बार का थीम जो है 2018 का, अगर थीम की बात करें, तो थीम है न्यूक्लियर पावर टुवर्ड्स अ क्लीन एंड बेस लोड एनर्जी। ठीक है, भाई नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। यहाँ तक अभी तक हमने 49 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, और इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन हो भी चुके हैं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो उस पोर्टल का नाम है स्पार्क। ठीक, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आने की संभावना है। और स्पार्क का फुल फॉर्म की बात करें, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ठीक है, जिससे यहाँ पे इस पोर्टल का जो नाम है www.spark.iitkgp.ac.in। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरस्कार दिया गया किसे? तो यहाँ पे जो टैगोर पुरस्कार के लिए दिया गया, यहाँ पे सांस्कृतिक सद्भावना के लिए जो टैगोर पुरस्कार दिया गया वर्ष 2014 के लिए, 15 के लिए, 16 के लिए, तो 2014 के लिए अगर बात करें, तो किसे दिया गया? राजकुमार सिंधजीत सिंह को, जो कि मणिपुरी नृत्य प्रख्यात हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं 2015 के लिए किसे दिया गया है? तो छायानौत, जो कि एक बांग्लादेश का सांस्कृतिक संगठन है, उसके लिए उसे ये अवार्ड मिला है। और 2016 की अगर बात करें, तो श्री राम बंजी सुतार, ठीक, जो कि एक मूर्तिकार है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी
एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कि पूछा जा सकता है। और पेटीएम के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। और कब ये शुरू हुआ था? मई 2017 में ये शुरू हुआ था, पेटीएम पेमेंट बैंक का जो सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका नाम है फिहांग 98 FH, जिसको कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में FH-98, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस PNB मेटालाइफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ग्राहक सेवा ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है खुशी, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज़ के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने सेवानिवृत्ति का घोषणा कर दिया है? उनका नाम है ड्वेन ब्रावो। ठीक है, ड्वेन ब्रावो ने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और इस बार आने की संभावना पूरी है। वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। और इस बार का जो थीम है 2018 का, अगर थीम की बात करें तो थीम है कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले वो बल्लेबाज का नाम क्या है? उस बल्लेबाज का नाम है विराट कोहली, जो कि भारतीय कप्तान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं नहीं हम पोर्टल, ठीक, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है, कहाँ? तो नई दिल्ली में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस पोर्टल का नाम या तो पूछा जा सकता है मैं नहीं हम, या फिर कहाँ लॉन्च हुआ? नई दिल्ली में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2018 संयुक्त राष्ट्र दिवस कंसर्न कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और इस बार का थीम की अगर बात करें तो थीम है ट्रेडिशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें 2018 का थीम की बात करें तो ट्रेडिशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस इसका थीम है। महासचिव की बात करें, संयुक्त राष्ट्र क्या, अगर महासचिव की बात करें तो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क, जो कि USA में है। स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। और अभी जो फिलहाल जो इसके टोटल कितने सदस्य देश हैं? 193। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन से कई बार क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी कम क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ही क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CBI के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है M. नागेश्वर राव को। ठीक, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27th IAEA फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू किया गया? ठीक, तो ये जो हुआ वो हुआ गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और IAEA का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, लिखा हुआ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका एस्टैब्लिश हुआ था 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेटीएम ने जापान में किस मोबाइल वॉलेट को लॉन्च किया है? इसका नाम है पेपे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो इस बार एग्जाम में मे बी 95% चांस है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ही आजकल देख रहे हैं एग्जाम में पूछा जा रहा है ज़्यादातर। अच्छा, अब यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद इस बार एग्जाम में देखने को बन सकता है कि पाकिस्तान और रूस के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास 2018 का नाम क्या है? तो उस अभ्यास का नाम है डुजवा 111। ठीक है, डुजवा 111 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्टूबर 2018 में उद्धव उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे फेस्टिवल जो कि मनाए जाते हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 किलोमीटर का विश्व का सबसे लंबा सागर क्रॉसिंग ब्रिज कहाँ खोला गया? जो कि चीन है, जिसे चाइना कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2018 के विजेता कौन है? तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और
पूछा जाता है। जैसे पुरुष एकल की बात करें तो कैंटो मोमोटा जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, और महिला एकल की बात करें तो ताई यू इंग जो कि चीन से बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व कुश्ती चैंपियन में पुरुष वर्ग में रजत पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? इनका नाम है बजरंग पुनिया। ठीक, इनका नाम है बजरंग पुनिया। और विश्व कुश्ती जो चैंपियन हुआ था कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट जो कि हंगरी में। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली महिला, तो ये तो पुरुष में हो गया बजरंग पुनिया, और महिला में कौन थी? मैं अभी फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए दोनों क्वेश्चन एक साथ। पूजा ढांडा, ठीक है, ये महिला में पूजा ढांडा को रजत पदक इनको मिला, और बजरंग पुनिया को पुरुष वर्ग में रजत पदक मिला। ठीक है, दोनों को। चलिए रजत पदक कहें तो सिल्वर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं क्वेश्चन की, जैसे कि क्रोएशिया का कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है जागरेब। ठीक है, जागरेब, और करेंसी कूना। इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे अभी इंडिया के साथ इसका समझौता हुआ है, तो इस लिहाज से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जनरल अवेयरनेस के सेंस में तो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CBDT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुशील चंद्र, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और CBDT का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पे कि लिखा हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, भारत जापान और अमेरिका के बीच होने वाला वायु अभ्यास दिसंबर 2018 में होगा, जिसका नाम क्या है? कोप इंडिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के पहले लग्जरी क्रूज जिसे मुंबई से ध्वजांकित किया गया, क्या नाम है उसका? अंग्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मुंबई ने किसे हरा कर अक्टूबर 2018 में विजय हरारे ट्रॉफी जीता? तो दिल्ली को हरा कर जीता। और विजय हरारे की बात करें, विजय हरारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित, ऐसा क्वेश्चन आता कई बार। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति व्याख्यान श्रृंखला का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? आंसर होगा नई दिल्ली में। और इस बार 2018 का थीम है AI फॉर ऑल, मीन्स की लिवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, और नीति आयोग की अगर बात करें, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी राष्ट्र ब्रांड्स 2018 नामक एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सिर्फ 50 मूल्यवान राष्ट्रीय ब्रांडों में से कौन सा रैंक हासिल किया है? तो भारत को जो रैंक हासिल हुआ है वो है 9वां रैंक हासिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कुश्ती चैंपियन 2018 कहाँ शुरू हुआ था? तो बुडापेस्ट हंगरी, जिसकी चर्चा भी हो चुकी है, जिसमें कि पुरुष वर्ग में बजरंग पुनिया ने जीता सिल्वर, और महिला वर्ग में पूजा ढांडा जिन्होंने सिल्वर जीता। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2018 में न्यू दिल्ली में ग्लोबल पार्टनर फोरम 2018 के चौथा संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए कुछ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे 3 सवाल है कि WHO मीन्स की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक जो है इनका नाम है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया स्टीफन हॉकिंग, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, और काफ़ी जाने माने जो वैज्ञानिक हैं, काफ़ी फेमस हैं वैज्ञानिक। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार किसने जीता? इनका नाम है मार्सेल वैन ओस्टोन, जो कि एक डच फोटोग्राफर थे। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में अक्टूबर 2018 में भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया? मुंबई हज हाउस में, जो कि 350 फीट ऊपर है, मीन्स कि जमीन से 350 350 फीट ऊपर इसका हाइट था। ठीक,
तो गाइस कैसी लगी वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताना। वैसे आप लोग से मैंने कमेंट्री में आपसे पूछा था कि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, इसी लिहाज से आप लोग के लिए वीडियो बनाया और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए आप लोग के लिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली वीडियो जो कि होगी इंग्लिश की ही होगी, अभी इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि आपका अभी सीजल का एग्ज़ाम आने वाला है, एमटीएस का है, बाकी बैंकिंग का काफ़ी सारे एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, उस लिहाज से भी आपका इंग्लिश का कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।